मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना तैयारी की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा के बीच 90 सीटों के लिए 5000 से अधिक कर्मचारी करेंगे वोटों की गिनती। जिला मुख्यालयों में मतगणना के लिए कलेक्टरों ने की पूरी तैयारी। ईवीएम मशीनों के खराब होने पर वीवीपैट से मतों की गिनती की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित करीब 7,812 मामलों का किया गया निपटारा। और रेलवे मना रहा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह। बिलासपुर में लोगों को जागरूक करने थीम रन का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए 5,184 गणना कर्मी और 1,500 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान उम्मीदवारों और एजेंटों को नियमानुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। रायपुर में सेजबहार स्थित मतगणना स्थल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्री साहू ने बताया कि सभी विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान सबसे अधिक कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में 30 चरणों में और सबसे कम मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 चरणों में वोटों की गिनती होगी। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए 11 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके लिए प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में प्रशासनिक स्तर पर इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि मतगणना स्थल में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं। वहीं 3 स्तर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम मशीनों के खराब होने पर वीवीपैट मशीन से मतों की गिनती की जाएगी। वहीं मतगणना के दौरान पल पल की जानकारी पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम से दी जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। काउंटिंग होनी है एफसीआई गोडाउन में, उसके समय के बारे में सबको पता चल सके, वहां पर क्या क्या सुविधाएं कैंडिडेट्स को हैं, क्या उनको ले जाना है क्या उनको नहीं ले जाना है, जैसे मोबाइल किसी को लेके जाना नहीं है। इसी तरह से मीडिया सेंटर वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो सभी पत्रकारों को बीच बीच में ग्रुप्स में अंदर ले जाया जाएगा ताकि वो जाके अपना देख सकें और फोटो लेना ले सकें। उसमें एक नियम यही है कि वहाँ पर लॉन्ग शॉट ही लेने हैं, क्लोज फोटोज किसी भी मशीन का इक्विपमेंट का नहीं लिया जाएगा। काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाए गए हैं और ये डिपेंड करता है कि कितने वहाँ पर मतदान केंद्र हैं, उस पर डिपेंड करता है कितने चक्कर होंगे। और नॉर्मल राउंड होने के बाद वीवीपैट काउंटिंग जिसमें भी करना है वहां पर वो किया जाएगा। गौरतलब है कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी करुणा शुक्ला के भाग्य का फैसला होगा। उधर महासमुंद जिले के कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि महासमुंद विधानसभा की 18, खल्लारी की 20, बसना की 21 और सरायपाली विधानसभा की 20 राउंड में गिनती की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान सिर्फ मीडिया कर्मी ही मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकते हैं। ग्यारह तारीख को मतगणना कार्य करना है। हमारे जिले में 4 विधानसभा है, चारों विधानसभाओं के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। 4 अलग अलग काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और समस्त जितनी भी काउंटिंग स्टाफ की नियुक्तियां करनी थी वो सारी कर दी गई हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति कर दी गई है। तत्पश्चात 11 को हम लोग सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोलेंगे और 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग की जाएगी, उसके तत्पश्चात ईवीएम्स की 8:30 बजे से काउंटिंग की जाएगी। हमारे यहाँ महासमुंद विधानसभा में 18 चक्र में काउंटिंग होगी, बसना सरायपाली और खल्लारी में 20 चक्र में होगी और बसना में 21 चक्र में काउंटिंग होगी। वहीं नारायणपुर जिले में भी मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है।
कलेक्टर टीपी वर्मा ने बताया कि मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका है। कंट्रोल यूनिट मशीन से काउंटिंग होगी उसके बारे में, वीवीपैट के पर्ची की काउंटिंग होगी उसके बारे में, डाक मत पत्र जो आया हुआ है उसके बारे में, और जो सर्विस वोटर है जो ईटीबीपीएस हमको मिला है उसको कैसे काउंटिंग करना है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में मतगणना को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 7,812 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि इस लोक अदालत में 1,38,611 मामलों की सुनवाई की गई। रायपुर में आयोजित लोक अदालत में 1,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 18 करोड़ से अधिक की समझौता राशि पर राजीनामा भी किए गए। इसी तरह कोरिया में भी आपराधिक, दीवानी, पारिवारिक प्रकरणों, बैंकों से संबंधित मामलों और बिजली विभाग से जुड़े मुद्दों पर सुलह कराने की कोशिश की गई। कोरिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महेश राज ने बताया कि लोक अदालत में 10 से 15 साल पुराने मामले सुलझाए गए हैं। उसमें प्रकरणों का निराकरण कैसे समझौता के माध्यम से किया जाना है और किस प्रकार, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत पुराने पुराने प्रकरण हैं और उन प्रकरणों में लोग करीब 10 साल, 15 साल, 20 साल से न्यायालय के दरवाजे में चक्कर लगाते रहते हैं, ताकि उन महंगी प्रक्रिया से वे बच सके, इसलिए उनके लिए विधिक सेवा की ओर से और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार समय समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में 9 दिसंबर को हमारे यहाँ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वहीं अंबिकापुर में लोक अदालत में राजीनामा के तहत 99 प्रकरणों का निपटारा किया गया और 3.5 लाख रुपए से अधिक समझौता राशि जमा कराई गई। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 8 से 14 दिसंबर तक अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय, रेल मंडलों और अन्य इकाइयों में लोगों को ऊर्जा के महत्व से परिचित कराने और इसके बचत को प्रोत्साहन देने अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल गतिविधियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में थीम रन का आयोजन किया गया। थीम रन को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री सोइन ने बताया कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के दौरान ऊर्जा संरक्षण के लाभ विषय पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रेल कर्मचारी ऊर्जा बचत के लिए लोगों को सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सप्ताह के समापन मौके पर जोन और मंडल स्तर पर प्रश्नोत्तरी और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ओडिशा की सीमा से लगे गरियाबंद जिला घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इस जिले में ही विशेष पिछड़ी जनजाति कमार और भुंजिया निवास करती है। दुर्गम इलाकों में रहने वाली इन जनजातियों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शासन विशेष अभियान चला रहा है। इसी सिलसिले में गरियाबंद का प्रशासनिक दल जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के ऊपर बसे कुल्हाड़ी घाट पहुंचा। इस पहुंच विहीन क्षेत्र में 10 कर्मचारियों का दल 4 पहाड़ियों को पैदल पार कर लोगों के बीच आया है। कुल्हाड़ी घाट ग्राम पंचायत के 4 आश्रित गांव हैं, जिसमें कमार जनजाति के लोग रहते हैं। इन गांवों तक पहुंचने के लिए लोग 32 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जिसमें 14 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई भी शामिल है। कमार जनजाति को नीचे सर्व सुविधा युक्त स्थान पर बसाने के प्रशासनिक प्रयास के असफल होने के बाद प्रशासन ने पहाड़ के ऊपर ही विकास की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस प्रशासनिक दल में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शामिल थी, जिसने गांव के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया। वहीं सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई।
जांजगीर में बिलासपुर रेंज स्तरीय पुलिस खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय स्पर्धा में 12 पुरुष टीम और 2 महिला टीम ने हिस्सा लिया। स्पर्धा का शुभारंभ कोरबा के पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव ने किया। प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबॉल स्पर्धा के लिए मैच खेले गए। गौरतलब है कि आज देर शाम प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। इन दिनों राजनांदगांव में हॉकी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राजनांदगांव, दुर्ग और नागपुर की टीम हिस्सा ले रही है। लीग पद्धति से खेली जा रही इस हुनर कप हॉकी लीग प्रतियोगिता के जरिए 77वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपने खेल कौशल का उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने बताया कि प्रतियोगिता के सारे मैच लीग कम नॉकआउट पद्धति से हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का समापन आगामी 12 दिसंबर को होगा। विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आज भिलाई में खेल समारोह उड़ान का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन सीमा सशस्त्र बल के DIG वी विक्रमन ने किया। समारोह में करीब 450 दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन सभी खिलाड़ियों ने गोला फेंक और मटका फोड़ जैसे परंपरागत खेलों के साथ दौड़ में भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया। MR3 के परिणाम आ चुके हैं। सार्थक प्रयास धमतरी के इस मौके पर दिव्यांग स्कूलों ने स्टॉल भी लगाए थे, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया था। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर इस तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में 3 दिसंबर से लगातार दिव्यांगों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अंबिकापुर में कल देर रात पुलिस ने 3 लाख की नशीली दवा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक ब्राउन शुगर के साथ ग्राहक तलाशते हुए भटक रहा है। इस सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की और युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि युवक से पूछताछ जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना तैयारी की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा के बीच 90 सीटों के लिए 5,000 से अधिक कर्मचारी करेंगे वोटों की गिनती। जिला मुख्यालयों में मतगणना के लिए कलेक्टरों ने की पूरी तैयारी। ईवीएम मशीनों के खराब होने पर VVPAT से मतों की गिनती की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित करीब 7,812 मामलों का किया गया निपटारा। और रेलवे मना रहा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह। बिलासपुर में लोगों को जागरूक करने थीम रन का हुआ आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।